क्या आपको याद है हम जब छोटे थे तब हम पुराने डिजिटल कैमरा से फोटोज खिंचवाते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो पुराने डिजिटल कैमरास अचानक से गायब हो गए? तो चलो आज हम ऐसे ही कुछ ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे जो मार्केट रूल करने के बाद भी फेल हो गए। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्टस्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। वैसे दोस्तों, इस टॉपिक पर हमने और एक वीडियो बनाया था जहां हमने ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताया था जो कि इंडिया में बहुत बुरी तरह फेल हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर वन, डेनन डेयरी बिजनेस। डेनन एसए जो कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल फूड प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन है, उन्होंने अपना डेयरी प्रोडक्ट्स मार्केट इंडिया में 2010 में लाया था। डेनन ये कंपनी इंडिया में 1990s में ही एंटर हुई थी, जहां वो ब्रिटानिया के साथ जॉइंट वेंचर में थी, लेकिन 2010 में वो अलग होने के बाद डेनन ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में स्टार्ट किए, जहां वो दही, मिष्टी दही, मिल्क, स्मूदीज, लस्सी, कोल्ड कॉफी, बटर मिल्क और अलग अलग फ्लेवर के योगर्ट्स बेचते थे। डेनन अपने डेयरी बिजनेस के थ्रू इंडिया का न्यूट्रिशन पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते थे और साथ ही ग्लोबली मार्केट लीडर होने की वजह से उन्हें हमेशा टॉप में रहने की आदत थी। लेकिन इंडिया में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसे आप अमूल के नाम से जानते हैं, और नेस्ले, ये दोनों पहले ही मार्केट रूल कर रहे थे। और साथ ही डेनन डेयरी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग थोड़ी हाई होने की वजह से डेनन अपना मार्केट इंडिया में नहीं टिका पाया और 2017 तक उन्होंने अपना सारा प्रोडक्शन बंद करके इंडिया से एग्जिट कर लिया। नंबर टू, वॉक्सवैगन बीटल। अगर आपने पुराने इंग्लिश मूवीज देखे हैं, तो आपने ये कार तो जरूर देखी होगी। वॉक्सवैगन बीटल ये कार एडोल्फ हिटलर के रिक्वेस्ट पर मैन्युफैक्चर की गई थी और बहुत ज्यादा फेमस भी हुई थी। वॉक्सवैगन ने अपनी बीटल कार 2009 में इंडिया में लाई थी, वो भी एक इंटरेस्टिंग टैगलाइन के साथ, जो थी कर्व्स एंड बैक्स। वॉक्सवैगन को अपने बीटल कार से लोगों का बहुत अटेंशन गेन करना था, ताकि वो अपने बाकी कार्स जैसे पोलो और वेंटो भी बेच सके। लेकिन ये बीटल कार एक्सपेंसिव होने की वजह से इस कार के सेल्स बहुत कम होने लगे। इंडिया में वॉक्सवैगन बीटल के सिर्फ 500 कार्स ही सेल किए गए थे। इतना ही नहीं, इसकी मार्केटिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और मार्केटिंग के लिए एफर्ट्स भी बहुत कम थे, जिसके कारण वॉक्सवैगन ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्हें अपना प्रोडक्शन इंडिया में बंद करना पड़ा और इस तरह वॉक्सवैगन बीटल इंडिया में फेल हो गई। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो फैक्टस्टार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर थ्री, टैक्सी फॉर श्योर। ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टैक्सी सर्विस है जो कि 2011 में इंडिया में स्टार्ट हुई थी, जहां पहले ही ओला मार्केट रूल कर रहा था। उसके बाद 2013 में उबर की एंट्री होने के बाद कंपटीशन और भी तगड़ा हो गया। 2014 तक टैक्सी फॉर श्योर ने इन मार्केट लीडर्स को बहुत कम्पीट किया, लेकिन 2015 में जब ओला को सॉफ्ट बैंक से $210 मिलियन की फंडिंग मिली, तब ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को $200 मिलियन में खरीद लिया। वैसे तो उबर और ओला दोनों को टैक्सी फॉर श्योर खरीदना था, लेकिन ओला की प्रॉमिसिंग फ्यूचर ग्रोथ की वजह से इन्वेस्टर्स ने ओला को प्रेफरेंस दिया और टैक्सी फॉर श्योर को ओला ने खरीद लिया। टैक्सी फॉर श्योर को ओला ने अपने माइक्रो कैटेगरी में रखा था, पर एक साल बाद बहुत से एम्प्लॉयज ने क्विट करना चालू किया था और साथ ही उबर ने अपना मार्केट बढ़ाने के लिए अपने राइड प्राइसेस कम करके ड्राइवर्स को इंसेंटिव्स देना चालू किया था, जिसके चलते ओला ने भी वही स्ट्रेटेजी यूज की और टैक्सी फॉर श्योर को बंद कर दिया, जिससे उनके सैलरीज के 30 करोड़ रुपए सेव हो गए, जो कि सच में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके बाद ओला ने टैक्सी फॉर श्योर को ऑफिशियली बंद करवा दिया। नंबर फोर, नोकिया। ये तो सब जानते ही है कि नोकिया ये ब्रांड ने मोबाइल फोन्स का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाया था। इस ब्रांड ने कम समय में ही दुनिया में अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाई थी, जहां उनका ग्लोबल मार्केट शेयर 40% से भी ज्यादा था। लेकिन कहते हैं ना, झट से मिला सक्सेस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, यही हुआ नोकिया के साथ। नोकिया ये फोन अपने टफनेस और ड्यूरेबिलिटी के लिए काफी फेमस था, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ हार्डवेयर पर फोकस किया, ना कि सॉफ्टवेयर पर, जिसके कारण नोकिया आगे चलकर एंड्रॉइड और आईओएस को बीट नहीं कर पाए। जहां वक्त के साथ टेक्नोलॉजी में बदलाव आते रहे, वहां नोकिया अपने वही फोन्स के सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अपग्रेड नहीं होने की वजह से नोकिया ने अपना ऑडियंस लूज किया और इसी वजह से इंडिया में नोकिया फेल हो गया। नंबर फाइव, कोडक।
डिजिटल कैमरा का रिवॉल्यूशन लाने वाले कोडक की शुरुआत 1880s में हुई थी और उसके बाद करीब 100 साल उन्होंने फोटोग्राफी में बहुत सारे इनोवेशंस और इन्वेंशंस लाए। कोडक ने बहुत साल मार्केट लीड किया जहां उनकी सेल्स 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जाते थे। सिर्फ एक क्लिक से फोटो खींचने की टेक्नोलॉजी ने लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया था, लेकिन टेक्नोलॉजी ये कभी एक जैसी नहीं रहती, समय अनुसार बदलती रहती है, जिसके चलते 2009 से जब स्मार्टफोन्स का ट्रेंड आने लगा तब लोगों का डिजिटल कैमरा का क्रेज खत्म हो गया और धीरे धीरे कोडक के सेल्स कम होते गए। कोडक ने डिजिटल कैमरा तो इन्वेंट किया, साथ ही टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट भी किया, बल्कि उन्हें ये भी पता था कि ऑनलाइन फोटो शेयर करना फ्यूचर में बूस्ट लेने वाला है। लेकिन उन्होंने फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर ना करते हुए अपने प्रिंटिंग बिजनेस को बढ़ाया, साथ ही स्ट्रेटेजिक क्रिएटिविटी में भी कोडक लैग करने लगा था, जिसकी वजह से उनके सेल्स काफी हद तक कम हो गए और 2012 में कोडक बैंक्रप्ट हो गई। तो ये थे कुछ ऐसे ब्रांड्स जो मार्केट में रूल करने के बाद भी बहुत बुरी तरह फेल हो गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।